बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भाकी टिकैत के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने SDM को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर शिकारपुर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा DM को संबोधित शिकारपुर SDM को सौंपा, जिसमें मान की गई भाकियों मांग करती है कि राजस्व विभाग व कृषि विभाग द्वारा तत्काल बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए व किसान हित को ध्यान में रखते हुए रबी की अगली फसल आने तक KCC व विद्युत विभाग की रिकवरी को रोका जाए। समस्त शिकारपुर क्षेत्र में लिम्पी नामक बीमारी ने पशुओं में काफी कहर मचा रखा है, जिस कारण आए दिन पशुओं की मौत हो रही है। प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे रास्तों, नाली आदि की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। गांव दरगाहपुर बांसोटी में पेयजल योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है, जिसमें रास्तों को उखाड़ कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कार्य करने के पश्चात उखड़े रास्तों को कोई भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी ठीक करने नहीं पहुँच रहा है, जिस कारण वहाँ से गुजरने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और टूटे रास्तों की वजह से ग्रामीण चोटिल भी हो रहे हैं। गाँव सलेमपुर में रनपुर रोड पर नाली निर्माण न होने की वजह से सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिस कारण वहां से गुजरने वाले हजारों राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सलेमपुर गांव में ही होली चौक पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस कारण वहां काफी बड़ी एवं खतरनाक बीमारियों का पनपना शुरू हो गया है, जिस कारण वहां रह रहे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान यूनियन की तरफ से आप लोग बड़ी संख्या में शिकारपुर तहसील में पहुंचे हैं, SDM साहब को ज्ञापन दिया है, किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया? ये जो बारिश हुई है, अति बारिश हुई है, किसान की फसल धान की कुछ पकी खड़ी थी, किसी कुछ में बाल निकल रही थी, तो एक एक एरिया में करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है इस बारिश से। हमने एक अपने ज्ञापन में वो लिखा है कि जो किसान की नुकसान हुआ है, इसके बारे में सर्वे कराई जाए और उस सर्वे में जो आकलन किया जाए कितना नुकसान है। सरकार से हमने मांग की है कि उन किसानों की मुआवजे की भरपाई की जाए, और इसके बाद जो ये लंपी बीमारी चली हुई है, इससे आए दिन गांव में गाय मर रही है, उनकी देखभाल की तो बहुत दूर बात है। कहीं उनकी ये भी नहीं है कि कहीं गड्ढा खोदते कोई प्रशासन की तरफ से उन्हें दबाने का भी काम कर रहे हो, तो ये भी हमने अपने ज्ञापन में दिया है। वो टीके की मांग की है, उनके टीका लगाया जाए। एक कुछ समस्या अपनी वैसी है गाँव की अलग अलग, जैसे ये हमारा बांसोटी दरगाहपुर है, सलेमपुर है, कई गांव ऐसे हैं जहां एक कानून आया है गांव में टंकी लगाने का, गांव टंकी लगेंगी और उन टंकियों में ठेकेदार उस रास्ते को चाहे CC है चाहे टाइल्स लगी हुई है खोद के डाल जाते हैं, परंतु उन्हें देखने वाला फिर कोई नहीं है। दरगाहपुर बांसोटी में 4 महीने पहले वो खुदी पड़ी है, उसमें आए दिन सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते समय उनकी ड्रेस खराब होती है, कई मवेशियों के पैर भी टूट रहे हैं, उसकी कोई कहीं देखरेख प्रशासन की तरफ से नहीं। अभी SDM साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, हमने जो ज्ञापन में अपनी मांगे लिखी है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम इस पे कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने की। शिकारपुर तहसील में आप लोग आए हैं, SDM साहब को ज्ञापन दिया, किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया? इससे किसानों का बहुत भारी नुकसान है, इसकी जाँच करा कर किसानों की भरपाई की जाए। जब तक ये जो हमारी ये बिजली विभाग और ये अपने बकायेदार पे उड़ाई न कर, और हमारी कुछ लावारिस पशुओं में डंपिंग लंपी बीमारी चल रही है जी, वहाँ आए दिन रोजाना मौत हो रही है, यहाँ कोई सुविधा चिकित्सा की नहीं। तो भी SDM साहब को आपने ज्ञापन दिया है, उधर से क्या आश्वासन मिला? उधर से आश्वासन मिला है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद।